स्टूडेंट आप सभी को स्वागत है कैम विजुअल में। तो एक एंट्रेंस क्रैक करने के लिए आपको चाहिए अच्छी तैयारी, तो उसके लिए आपको तीन पॉइंट में फोकस करना पड़ेगा। एक पॉइंट है जो आपका सिलेबस दिया हुआ है एक एंट्रेंस के लिए, उसको फर्स्ट आप एनालिसिस कीजिए। देन पॉइंट नंबर टू है कि जो टॉपिक सिलेबस में है उसको पहले क्या कीजिए, आप सिलेक्ट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कीजिए। जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका प्रिपरेशन लेवल इंक्रीज होगा। फिर जो पॉइंट नंबर थर्ड है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड पॉइंट जो है ये क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, तो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। तो प्रैक्टिस जब करेंगे उसमें आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ है उसमें आपका इम्प्रूवमेंट होगा। आप सपोज 30% आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वो इम्प्रूव होकर 50-60 तक जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम अभी क्या किए हैं, एक टेस्ट सीरीज ला रहे हैं जो CPET 2020 के लिए। तो उसके लिए आप क्या करना है आशुतोष सर बताएंगे। तो स्टूडेंट्स अपना रैंक कैसे बूस्ट करेंगे उसके लिए हम ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि CPET टेस्ट में कैसे आप ज्यादा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, कैसे अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम एक मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है जो कि रैंक बूस्टर की तरह है, जिसमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के अनुसार। तो इस मॉक टेस्ट सीरीज आपको कैसे मिलेगा, हम जो ये वीडियो बना रहे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको फास्ट मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, एंड उसके बाद धीरे धीरे नेक्स्ट मॉक टेस्ट सीरीज आएगा। तो हम 4 मॉक टेस्ट सीरीज आप सबके लिए बनाए हैं, तो आप उन मॉक टेस्ट सीरीज को दीजिए एंड उसका रिजल्ट जो है वो बताएगा कि आपका प्रिपेरेशन लेवल कैसा है एंड आपके स्ट्रैटेजी किस लेवल पे है उसके वो उसका रिजल्ट बताएगा। तो हम ये मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में जो अनाउंसमेंट किए हैं, आप अगर इस वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज जाके मॉक टेस्ट सीरीज दीजिए एंड आपका रिजल्ट खुद जानिए एंड उसके हिसाब से आपका प्रिपेरेशन लेवल इंक्रीज कीजिए। तो जो मॉक टेस्ट देंगे उसमें आपको लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां फास्ट आप लिंक पे जाइए पॉइंट वन। उसके बाद स्टेप टू में क्या करना है, उसमें जाके आप पहले आपका नाम लिखिए, उसके बाद आपको वहां पर 30 क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो एक वन बाय वन क्वेश्चन कीजिए, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्वेश्चन आप उसमें सबमिट बटन क्लिक कीजिए। तो उसमें आफ्टर एग्जामिनेशन आपका कितना जो आया है आंसर शीट वगैरह वगैरह सब वहां मिल जाएगा और हम आंसर की भी प्रोवाइड करेंगे। तो आप वो मॉक टेस्ट दीजिए और खुद का इम्प्रूवमेंट लाइए। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम स्टार्ट किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सीरीज एंड जिसमें कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं संबलपुर यूनिवर्सिटी 2019 का सॉल्यूशन, पूरे 30 एमसीक्यू है, आप अगर नहीं देखे तो वो देख सकते हैं। एंड 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस हम कर रहे हैं जिसमें कि पार्ट वन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो अगर आप वो नहीं देखे तो प्लीज चैनल पे देख लीजिए। एंड ये जो सेकेंड पार्ट है वो 2018 पार्ट टू है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक है, तो उसको हम एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, तो प्लीज मेरे साथ जुड़ जाइए आप। एंड एक चीज बोल रहा हूँ कि ये कोई स्टोरी नहीं है, तो प्लीज अपना पेन कॉपी के साथ में लेके बैठिए एंड जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उसको आप सॉल्व कीजिए खुद से। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, ये पूछा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमोंग द फॉलोइंग इज, ये तुम्हारा बॉन्डिंग चैप्टर से रिलेटेड है कि ये बोला है द फास्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम, जो फर्स्ट ऑप्शन है द फास्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन द फास्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Mg, सेकेंड ऑप्शन है द फास्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज लेस देन द फास्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नेशियम, देन थर्ड ऑप्शन है द सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नेशियम इज ग्रेटर देन द सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, देन जो डी ऑप्शन है वो है द थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नेशियम इज ग्रेटर देन द थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, चाहे किस भी एंट्रेंस में कोई भी एंट्रेंस आप दे रहे हो उसके लिए केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैं इसका एनालिसिस करने जा रहा हूँ, इसका सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज हमारे साथ जुड़ जाइए। इसके सोल्यूशन कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि कितना एनर्जी हम सप्लाई करते हैं
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, यानी कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ए आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी कि कोई भी एटम से जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए कितना एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या दिया। एक तो हमको यहाँ पे सोडियम दिया है, मैग्नीशियम दिया है एंड एल्यूमिनियम दिया है। तो अगर हम फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम को देंगे, मैग्नीशियम को देंगे एंड एल्यूमिनियम को देंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। तो सोडियम को अगर हम फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर सोडियम को हम सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे तो वो Na2+ में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे तो वो Na3+ में कन्वर्ट होगा। सिमिलर केस होगा मैग्नीशियम के साथ एंड एल्यूमिनियम के साथ। अभी हम देखते हैं कि कौन सा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अगर कोई भी एटम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे है तो उसको ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सोडियम के पास नॉर्मल स्टेट में 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर यहां से मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी सप्लाई करके तो ये आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। अभी हमको ये पता है कि 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन आ गया ये, एंड नियॉन एक बहुत ही स्टेबल एलिमेंट है एंड सोडियम प्लस का जो कॉन्फ़िगरेशन है बहुत स्टेबल है, इसीलिए Na+ से अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए मुझको। जैसे ये केस हुआ सोडियम प्लस के केस में, सिमिलरली मैग्नेशियम के केस में क्या हो जाएगा, मैग्नेशियम के केस में Mg2+ हो जाएगा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली एल्यूमिनियम में जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो Al3+ हो जाएगा। तो अगर कोई भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो उस टाइम हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए। अभी जो ऑप्शन है उनको देखिए, हमको पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या बोला है ऑप्शन नंबर सी, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि द सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Mg, तो सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Mg मतलब ये हो गया फास्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये हो गया सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम से क्या किए हम, Mg+ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके Mg2+ में कन्वर्ट किए, एंड Mg+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, Mg+ का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, जो कि सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन के साथ इक्वल है। अभी ये बोला कि इसका सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या, इसका सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या सोडियम का सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल से ज्यादा होगा, नहीं नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये देखते, ये अभी अनस्टेबल स्टेट में है, सोडियम जो मैग्नीशियम प्लस स्टेट है वो अभी अनस्टेबल स्टेट में है, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 3s1 में। बट अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ सोडियम के बात करूं तो सोडियम प्लस के सोडियम के सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब Na+ से मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है Na+, 10 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, नियॉन के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर आएगा। तो Na+ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए मेरे को ज्यादा एनर्जी चाहिए, बट यहाँ पे क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट दिया है वो रॉन्ग है, इसलिए इस क्वेश्चन में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, ये केमिकल बॉन्डिंग का अच्छा क्वेश्चन है। आइसोस्ट्रक्चरल पेयर है, यानी कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हैं उनमें कौन सा आइसोस्ट्रक्चरल है वो हमको बताना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज N3H, सेकेंड है H3O+, NO3- NF3 एंड BF3। इसमें हमको बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा पेयर मेरा आइसोस्ट्रक्चरल है। तो हम सबका स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करके देखते हैं। ये होता है हमारा हाइड्राजोइक एसिड, ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ये N3H और HN3 बोल सकते हैं आप। देन H3O+ हाइड्रोनियम आयन का क्या होता है, ये टेट्राहाइड्रल शेप होता है, ये क्या होता है टेट्राहाइड्रल शेप होता है, कुछ इस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर। देन NO3- नाइट्रेट का क्या होता है, ये प्लानर स्ट्रक्चर होता है, और हम बोल सकते हैं इसको ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर होता है, ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये एक ट्राइंगल की तरह दिखता है, इसको हम ज्वाइन करते तो ट्राइंगल की तरह दिखता है, ये एक प्लेन में लाइक करता है, इसलिए हम इसको ट्राइंगुलर प्लानर बोलते हैं। देन होता है NF3, NF3 स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे NH3 एमोनिया का स्ट्रक्चर जैसा होता है सिमिलर टू दैट होता है, ये NF3 में क्या होता है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, एंड इसका शेप जो होता है वो पिरामिडल टाइप का होता है,
पिरामिडल टाइप का होता है। तो क्या होता है, इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट रहता है, तीनों फ्लोरिन बॉन्ड पेयर फॉर्मेशन किए हैं, तो ये कुछ टेट्राहेड्रल का शो करेगा। देन है BF3, ये सिमिलर टू शो करेगा NO3- जैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे, प्लैनर स्ट्रक्चर शो करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ से देख के बता सकते हैं हम, जो ये ऑप्शन है ये एक टेट्राहेड्रल है, एंड सिमिलरली ये एक टेट्राहेड्रल है, एंड NO3- प्लैनर है एंड BF3 प्लैनर है। जो आइसो स्ट्रक्चरल पेयर होगा वो होगा S3O+ एंड NF3 एंड NO3- एंड BF3, ये हो जाएगा हमारा आइसो स्ट्रक्चरल पेयर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ये है, NF3 S3O+ का स्ट्रक्चर सेम होगा एंड NO3- BF3 का स्ट्रक्चर सेम होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, क्या पूछा है, द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब जिस कंपाउंड का टोटल इलेक्ट्रॉन और एक कंपाउंड का टोटल इलेक्ट्रॉन के साथ इक्वल होगा, उनको हम बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो हमको क्वेश्चन पूछा है कि ये जो CO है इसके साथ किसका ये किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो जो सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे वो CO का काउंट कर लेते हैं, उसके हिसाब से जो ऑप्शन दिया है हम उसको चेक कर लेंगे। तो CO का क्या होता है, एक कार्बन के लिए हो गया 6, उसके बाद एक ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन। जो क्वेश्चन गिवन है ना दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड का, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट है मेरा CN नेगेटिव, अच्छे से ध्यान दीजिए इसको, कार्बन के लिए हो गया मेरा 6, एक नाइट्रोजन के लिए हो गया 7, एंड यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज के लिए एड हो जाएगा +1, तो इसके लिए इसका टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो हमको आंसर तो मिल गया कि ये 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ CN नेगेटिव आइसो स्ट्रक्चरल है। नेक्स्ट ऑप्शंस को चेक करते हैं, जो है O2- के लिए क्या आएगा, O2 के लिए आता है हमारा 16, उसके लिए माइनस चार्ज है, एक माइनस चार्ज के लिए एक ऐड किया तो इसका हो गया 17, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। देन है O2+ में क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए हो गया 16 इलेक्ट्रॉन, देन एक प्लस चार्ज है इसके लिए एक माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। देन है N2 का तो 14 होगा, तो N2 का जो 14 होगा ये भी हमारा आइसो स्ट्रक्चरल हो सकता है, बट सॉरी ऑप्शन दिया है यहाँ पे N2+, तो ये हो जाएगा 14-1, तो ये हो जाएगा 13, यानी कि ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा CN नेगेटिव। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टीरियो केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, एंड स्टीरियो केमिस्ट्री एक CPET का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, संबलपुर यूनिवर्सिटी लास्ट क्वेश्चन भी लास्ट ईयर का जो एनालिसिस किए थे उसमें भी देखे थे हम, एक क्वेश्चन आया था स्टीरियो केमिस्ट्री से, यहाँ पे भी आया है क्वेश्चन, तो मोस्ट इंपोर्टेंट करके ये रख लीजिए आप, यहां से क्वेश्चन आएगा। तो क्या पूछा है, ये पूछा है कि कौन सा कंपाउंड हमारा काइरल है, यहाँ पे बताना है, चार ऑप्शंस गिवन है, कौन सा कंपाउंड काइरल है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि काइरल कंपाउंड क्या होता है, काइरल कंपाउंड वो होता है जिसमें कि एक काइरल सेंटर प्रेजेंट होगा, काइरल सेंटर मतलब कोई भी कार्बन होगा जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच होगा, उसको हम बोलते हैं काइरल ग्रुप और काइरल कार्बन बोलते हैं। बट यहाँ पे जो सिस्टम्स दिए हैं वो कुछ अलग सिस्टम्स दिए हैं, क्या क्या दिया है, एलिन सिस्टम दिया है, क्यूमुलिन सिस्टम दिया है, ये भी एक एलिन सिस्टम, एंड ये एक बाइफिनाइल सिस्टम है। तो इनमें कैसे चेक करते हैं काइरल, आइए देखते हैं। तो कोई भी काइरल सेंटर के लिए जो सिमेट्री एलिमेंट है वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तभी हमारा वो कंपाउंड काइरल कंपाउंड होगा। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, एंड एक बात बोल रहा हूं कि काइरल कैसे चेक करेंगे आप, काइरल सेंटर कैसे चेक करेंगे आप, तो जो हमारा क्यूमुलिन सिस्टम होता है या फिर एलिन सिस्टम होता है वो एक बहुत ही अच्छा कंपाउंड होता है जिसमें हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखना रहता है। तो जो फास्ट में बोल रहा हूं, अगर कोई भी एलिन सिस्टम है जिसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, एंड यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे कोई ए है, यहाँ पे कोई बी है, तो ये जो एलिन सिस्टम है ये डबल बॉन्ड जो रहता है वो परपेंडिकुलरली रहते हैं। अगर मैं समझाऊं इसको, तो ये सपोज एक डबल बॉन्ड है, दूसरा डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से रहता है, यानी कि इसके साथ ये परपेंडिकुलरली रहता है, यानी कि ये जो डबल बॉन्ड है इसके साथ सेम प्लेन में नहीं रहता है, अलग प्लेन में रहता है। तो इवन नंबर सिस्टम जो एलिन होता है वो हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, एंड जो ऑड नंबर ऑफ एलिन सिस्टम होता है और क्यूमुलिन टाइप का स्ट्रक्चर होता है वो हमारा
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो ये चीज याद रखना, अगर कोई भी सिस्टम है इवन नंबर सिस्टम होता है एंड ये ए नॉट इक्वल टू बी होता है तब वो ज्योमेट्रिक सॉरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तब वो शो करता है। बट अगर ये एक ऑड नंबर डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, अच्छे से समझिए, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा एंड ये ए बी नॉट इक्वल होना चाहिए, ये ए बी नॉट इक्वल होना चाहिए, ये अगर होगा तब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इसको ध्यान में रखिए। अभी क्वेश्चन पे आए कि कहां पे क्या हो रहा है वो देखेंगे। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, ये एक इवन नंबर ऑफ सिस्टम है एंड बट यहाँ पे क्या दिया, ये दोनों क्लोरीन से हो गया बट मैं कंडीशन क्या बताया कि ये ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये काइरल नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ पे थ्री डबल बोन्स है एंड मैं ये बोला हूं कि ये थ्री डबल बोन्स मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा बट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है एक तो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है यानी कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई किया, उसके बाद ये जो सिस्टम है ये ए बी इक्वल नहीं है, यहाँ पे भी ए बी इक्वल नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन नंबर डी है उसके बारे में मैं भी बता देता हूं। ऑप्शन नंबर डी एक बाइफिनाइल सिस्टम होता है। बाइफिनाइल्स में क्या होता है, बाइफिनाइल्स जनरली कुछ इस तरह से होता है, जैसे मैं अलिन ने बताया इस तरह से होते हैं बाइफिनाइल एंड ये एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होकर रहते हैं, तो ये सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन कर सकते हैं। बाइफिनाइल में क्या होता है, ये जो फिनाइल रिंग है वो सिंगल बॉन्ड के दोनों साइड में वो रोटेट कर सकते हैं, तो इस रोटेट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बल्कि ग्रुप्स लगाते हैं उसका ऑर्थो पोजिशन पे। अगर बाइफिनाइल सिस्टम पे दोनों फिनाइल रिंग पे कुछ बल्कि ग्रुप्स होगा तभी वो हमारा ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकता है, तभी हम उसमें काइरल सेंटर का कंपैरिजन कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो क्लोरीन एंड हाइड्रोजन है वो दोनों बल्कि ग्रुप नहीं है बल्कि स्मॉल ग्रुप है, तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि इसके वजह से ये काइरल नहीं होगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये काइरल नहीं है। मैं अगर अच्छे से समझाऊं आपको, क्यों प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सपोज दिस इज आवर फर्स्ट फिनाइल रिंग एंड दिस इज आवर सेकंड फिनाइल रिंग, तो यहाँ पे क्या लगा है, ये फर्स्ट फिनाइल रिंग में एक हाइड्रोजन लगा है, नीचे भी एक हाइड्रोजन लगा है एंड ये सेकंड फिनाइल रिंग जो कि परपेंडिकुलर इसके साथ, यहाँ पे एक क्लोरीन लगा है, यहाँ पे एक क्लोरीन लगा है, तो मैं अगर एक मोलिकुलर प्लेन इसमें पास करूंगा इसको कट करते हुए, तो ये क्या करेगा इस रिंग को कट कर देगा, तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे, तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो रहा है तो इस कंपाउंड काइरल नहीं हो सकता, तो जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें कि वो पूछा है कि 2s एंड 2r एमिनो एसिड एमिनो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, उसी काइरल सेंटर से रिलेटेड है, काइरल सेंटर प्रेजेंट होगा तभी हम उसमें RS कॉन्फिगरेशन निकाल पाएंगे, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। कैसे है ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, तो अच्छे से कंपाउंड को देखिए कि कंपाउंड में क्या दिया है एंड उसके बाद RS कॉन्फिगरेशन के लिए हमको प्रायोरिटी देना जरूरी है, प्रायोरिटी ऑर्डर देना आना चाहिए। प्रायोरिटी ऑर्डर के बाद हम रोटेशन देखेंगे कि वो कैसे रोटेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं एंड जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ पे प्रेजेंट है उसको भी देखना पड़ेगा। तो जो कंपाउंड है मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कंपाउंड है दैट इज COOH इधर प्रेजेंट है एंड यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, जो थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH ग्रुप है एंड नीचे CH3 है। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका नंबरिंग हम कहां से करें, नंबरिंग यहाँ पे करना जरूरी है क्योंकि जो 2s एंड 3r दिया है वो आना चाहिए, तो हम फंक्शनल ग्रुप के ऑर्डर के हिसाब से इसको फर्स्ट देंगे, इसको सेकंड पोजीशन देंगे, इसको थर्ड पोजीशन देंगे, इसको फोर्थ पोजीशन देंगे। अभी इस टू सेकंड पोजीशन पे हम RS कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे एंड थर्ड पोजीशन पे RS कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, तो आइए निकालते हैं। तो देखेंगे कि इस कार्बन के अक्रॉस पे यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, यहाँ पे COOH ग्रुप है, यहाँ पे NH2 ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन है, जो मोस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर होगा वो नाइट्रोजन को सबसे पहले जाएगा, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, उसके साथ एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, मतलब कि कुछ इस तरह से सी डबल बॉन्ड ओ एंड OH लगा हुआ है एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कार्बन लगा हुआ है जिसमें कि OH लगा है, CH3 लगा हुआ है OH, तो ये डबल बॉन्ड वाले को हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो जो सेकंड प्रायोरिटी हो जाएगा वो ये हो जाएगा,
जो तो थर्ड प्रायोरिटी होगा वो ये हो जाएगा, मतलब कि दिस कार्बन, एंड देन द फोर्थ प्रायोरिटी हो जाएगा वो ये हाइड्रोजन है। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज आवर रोटेशन। रोटेशन कैसे हो रहा है, 1, 2, 3 डायरेक्शन में जाएंगे, तो 1, 2, 3 का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होता है। 1, 2, 3 डायरेक्शन कैसा हो रहा है, अभी क्लॉकवाइज हो रहा है, एंड फोर्थ प्रायोरिटी कहां पे, फोर्थ प्रायोरिटी जो है हमारा हॉरिजॉन्टल। तो मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको, इसको याद रखना, VCR एंड HCS, यानी कि वर्टिकली क्लॉकवाइज आर कॉन्फ़िगरेशन। अगर फोर्थ प्रायोरिटी हमारा वर्टिकल पे, वर्टिकल मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये लाइन के ऊपर अगर है फोर्थ प्रायोरिटी, एंड क्लॉकवाइज रोटेशन है, तब उसका कॉन्फ़िगरेशन आर होता है। बट अगर हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल पे प्रेजेंट होगा फोर्थ प्रायोरिटी एंड क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो एस हो जाता है। तो कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जो रोटेशन हो रहा है वो 1, 2, 3 क्लॉकवाइज है, हॉरिजॉन्टल पे है फोर्थ प्रायोरिटी, तो ये रूल फॉलो करेगा, HCS दैट इज हॉरिजॉन्टली होगा, एंड क्या होगा क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा एस। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया एस, यानी कि 2S सेटिस्फाई हो गया। सिमिलरली अगर हम नीचे वाले पोजिशन को देखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन, इसको मैं दिया प्रायोरिटी नंबर 1, देन यहाँ पे CNH3OH, इसको दिया सेकंड प्रायोरिटी, इसको दिया थर्ड प्रायोरिटी, एंड ये हो गया फोर्थ प्रायोरिटी। तो अभी रोटेशन देखूंगा, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, एंड फोर्थ प्रायोरिटी जो है वो मेरा हॉरिजॉन्टल पे, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो ये एस होना चाहिए। बट फोर्थ प्रायोरिटी जो है वो वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट है, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेजेंट है, इसीलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होके हो जाएगा आर। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था हमको, 2s एंड 3r, तो 2s एंड 3r कौन सा ऑप्शन पे दिख रहा है हमको, 2s एंड 3r कौन सा ऑप्शन पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी पे हमको दिख रहा है। तो जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है, CH3MgI Grignard-free एजेंट रिएक्ट कर रहा है, ये प्रोपाइलीन ऑक्साइड बोल सकते हैं, और ऐसा बोल सकते हैं ऑक्सीजन टाइप का एक कंपाउंड है। ये हम लास्ट 2019 का भी ऐसा एक क्वेश्चन देखे थे जिसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में अगर हम इसका सॉल्यूशन करने जाएंगे तो क्या होगा कि हमको पता है कि Grignard-free एजेंट पे मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये जो नेगेटिव साइड है ये अटैक करेगा लेस हिंडर साइड में। अगर लेस हिंडर साइड में अटैक करेगा तो ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन के ऊपर, देन यहाँ पे H2O गिवन है, जहां से H+ मिल जाएगा इस OH को, तो ये यहाँ पे OH आ जाएगा, ये CH3 था ऑलरेडी, ये CH3 यहाँ पे लग जाएगा। तो जो कंपाउंड मिलेगा वो एक 2° अल्कोहल मिलेगा, क्या मिलेगा 2° अल्कोहल मिलेगा। ये है क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कुछ हमारा एनालिटिकल से बेस्ड है, एनालिटिकल क्वेश्चन है। एनालिटिकल में क्या पूछा है, वो पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजोडाई बेस इंडिकेटर, इंडिकेटर के बारे में पूछा है, एंड ऑप्शन दिया है ए इज फिनोप्थालिन, बी इज मिथाइल रेड, देन सी इज मिथाइल रेड, देन दिया है एरिक्रोम ब्लैक टिप। तो इस क्वेश्चन, ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं हम, जिसको याद है वो कर सकता है वरना नहीं कर सकता है। तो वो एजो डाई मतलब एजो ग्रुप जो होता है वो एन डबल बॉन्ड एन होता है, इसको बोलते हैं हम एजो ग्रुप बोलते हैं। इस ग्रुप कौन सा इंडिकेटर में प्रेजेंट वो बोला है नहीं होता है, तो ये कहां पे प्रेजेंट नहीं होता है, फिनोप्थालिन में प्रेजेंट नहीं होता है, ये कुछ फिनोप्थालिन का स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी एन डबल बॉन्ड एन लिंकेज प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए फिनोप्थालिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, सॉरी करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी अमंग द फॉलोइंग, ये कंपाउंड दिया है क्वेश्चन नंबर 23 में, हमको पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी के लिए मैं ये बोल दूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है एसिडिटी फाइंड करने के लिए कि वो H+ डोनेट कर रहा है, एंड H+ डोनेट करने के बाद जो कंजुगेट बेस बन रहा है वो कंजुगेट बेस कितना स्टेबल है, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, मोर विल बी द एसिडिटी, यानी कि प्रोटॉन डोनेट के बाद जो कंजुगेट बेस बन रहा है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो एसिड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा।
ऐसे भी बोल सकते हैं और कुछ इस तरह से भी बोल सकते हैं। अगर कोई यहाँ पे एसिड है, कोई यहाँ पे एसिड है जिसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है, सपोज मैं बोल रहा हूँ आर एच एस कोई भी एसिड है, इस एसिड से मैं क्या कर रहा हूँ एच प्लस रिमूव कर रहा हूँ, एच प्लस रिमूव करने के बाद मेरे पास जो आर माइनस बन रहा है, ये आर माइनस जितना स्टेबल होगा ये एसिड उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, यानी कि इसका जो के वैल्यू होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का वैल्यू होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ये फर्स्ट इज एंड एक सेकेंड पॉइंट बोल रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है यानी कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंजुगेट बेस होता है, जो कंजुगेट बेस होता है वो वीक होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्यों है कि कोई भी अगर जितना ज्यादा एसिडिक होगा, मोर द स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसका कंजुगेट बेस उतना लेस बेसिक होगा, क्या होगा उतना लेस बेसिक होगा। तो अभी हम चेक करेंगे एसिडिटी ऑर्डर, तो सब में क्या दिया, ये पिरिडिन का कॉम्प्लेक्स दिया है, पाइरोल का, देन ये 4-methylpyridine का दिया है, ये नॉर्मल पिपिरिडिन का कॉम्प्लेक्स दिया है। तो अगर मैं सब में H प्लस रिमूव करूंगा, यहां से H प्लस रिमूव करूंगा तो ये क्या देगा, पिरिडिन देगा, कुछ इस तरह से कॉम्प्लेक्स आएगा पिरिडिन का। एंड उसके बाद ये क्या देगा, ये मेरे को पाइरोल देगा, ये मेरे को पाइरोल देगा यहाँ पे। एंड ये क्या देगा, ये मेरे को देगा 4-methylpyridine देगा, ये 4-methylpyridine देगा, यहां पे कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स देगा ये। एंड ये क्या देगा, ये नॉर्मल पिपेरिडिन टाइप कॉम्प्लेक्स देगा मेरे को। तो अभी देखेंगे कि हमको एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है, तो मैं क्या बोला कि कंजुगेट बेस है, ये सब कंजुगेट बेस है, तो हम इन कंजुगेट बेस में देखते हैं किसका कंजुगेट बेस ज्यादा बेसिक है, जितना ज्यादा वो बेसिक होगा कंजुगेट बेस, ये मतलब जितना ज्यादा वो कंजुगेट बेस जितना ज्यादा बेसिक होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम होगा। यानी कि अगर कोई भी एसिड है वो H प्लस डोनेट करने के बाद वो कंजुगेट एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, एंड ये कंजुगेट एसिड ये अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो ये क्या होगा, ये वीक होगा। एंड उसका रिवर्स भी ट्रू है कि ये कंजुगेट बेस अगर जितना ज्यादा बेसिक होगा उसका एसिडिटी उतना कम होगा। तो हमको क्या करेंगे, इसको बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से लिखेंगे। तो जो मोस्ट बेसिक होगा, हम यहाँ पे देख रहे हैं ये पिरिडिन है, ये पाइरोल है, एंड ये पिरिडिन है, 4-methyl सब्स्टिट्यूटेड पिरिडिन है, ये पिपेरिडिन है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, ये यहाँ पे जो ऑप्शंस है, ये जो पाइरोल पे जो नाइट्रोजन उसका लोन पेयर क्या एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, ये लिस्ट बेसिक होगा। क्या होगा, लिस्ट बेसिक होगा, अच्छे से ध्यान दीजिए, लिस्ट बेसिक होने का मतलब इसका जो कंजुगेट एसिड होगा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसीलिए इन ऑप्शंस में से जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा वो ऑप्शन नंबर 2। अगर आप ऑप्शन को अच्छे से देखते हो तो एक ही ऑप्शन है बी ऑप्शन, जिनमें की सेकेंड जो है मोर एसिडिक है, तो इसपे आप एंसर तो सही कर लिया कि सेकेंड मोर एसिडिक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बट अगर मैं तीनों को कंपेयर करूंगा तो सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा वो ये होगा, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, देन यहाँ पे जो पिरिडिन है इसका जो लोन पेयर है ये डोनेटिंग साइट है, एंड यहाँ पे जो लोन पेयर है ये डोनेटिंग साइट है। तो इन दोनों में बेसिसिटी का अगर कंपेरिजन करूं, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये ज्यादा बेसिक होगा, तो इसके लिए सबसे ज्यादा बेसिक ये हो जाएगा। तो जब करेक्ट ऑर्डर होगा बेसिक स्ट्रेंथ का, अगर मैं ऑर्डर बोलूं इनमें से, तो 4 सबसे ज्यादा बेसिक, देन सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा 3, देन हो जाएगा 1, देन हो जाएगा 2। इसका रिवर्स हो जाएगा क्या, कंजुगेट एसिड में इसका रिवर्स हो जाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन में कुछ कंपाउंड दिए है XYZ, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू दिया है ये बोला है। तो जो ऑप्शन है ये आप देख सकते हैं XYZ, इनमें से एक रिलेशन क्या है वो X एंड Y के बीच में एंड X एंड Z के बीच में पूछा है। तो ये दोनों को अगर मैं देखू X एंड Y को, ये दोनों क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एंड ऑप्शन Z क्या है इनका टोटोमर्स है, इनका X एंड Y का टोटोमर्स है। तो जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में वो होगा X एंड Y आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड Z इज अ टोटोमर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा है हमको कि यहाँ पे दिया है दो कंपाउंड, एक साइक्लोहेक्सानोन एंड एक फुरफ्यूरल डिहाइड बोलते हैं इसको, इन दोनों का रिएक्शन क्या है वो सेमी कार्बाजाइड के साथ।
सेमी कार्बोजाइड दिया है एंड एक इक्विवेलेंट सेमी कार्बोजाइड दिया है एंड एचसीएल दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर भी बहुत मायने रखता है इस क्वेश्चन का। तो क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप जब सेमी कार्बोजाइड के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या होता है, H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है यहाँ पे एंड बाकी जो लेग्स इसके साइड में जो होता है वो इसके साथ ज्वाइन हो जाता है, यानी कि यहाँ पे सी डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे जो भी ग्रुप लगा रहेगा वो ज्वाइन हो जाएगा इसके साथ। तो दोनों में यहाँ पे देख रहे हैं हम, एक कीटोन है एंड एक एल्डिहाइड ग्रुप है, दोनों में ये कंपाउंड फॉर्मेशन हो सकता है। बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे कि कौन सा कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा फाइनल मेजर प्रोडक्ट। तो कीटोन जो होता है, कीटोन का रेट कम होता है एज कंपेयर टू सी एच एल्डिहाइड का। क्यों कम होता है मैं बोल रहा हूँ, ये होता है इसमें से जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है केसीपी, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, एंड यहां से जो मिलता है वो होता है टीसीपी, दैट इज थर्मोडाइनामिक कंट्रोल प्रोडक्ट। अगर मैं मेजोरिटी का बात करूंगा तो टीसीपी का प्रोडक्ट हमेशा मेजर होता है, ये पता है हम सबको कि टीसीपी का प्रोडक्ट मेजर होता है, बट जो रेट होता है इस फर्स्ट कंपाउंड का रेट ज्यादा होता है। तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो टीसीपी प्रोडक्ट मेजर होगा एंड कुछ इस तरह से हमको कंपाउंड मिलेगा कि ये सी एच है ऑलरेडी, यहाँ पे डबल बॉन्ड एन लग जाएगा, यहाँ पे जैसा हुआ है बस वैसा ही हो जाएगा, एन सी ओ एन एच एंड NH2 लग जाएगा। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन देख लेना आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 मेरा है नेचुरल प्रोडक्ट और मैं बोल सकता हूँ इसको बायोमोलिकुल्स का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि अल्फा एनोमर ऑफ डी ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले मैं बोला हूँ एनोमर क्या होता है, एनोमर का मतलब है C1 कार्बन पे कंफिगुरेशन चेंज। कोई भी कंपाउंड हो चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो कुछ भी हो, उनमें अगर C1 कार्बन पे कंफिगुरेशन चेंज हो रहा है उनको हम एनोमेरिक पेयर होता है। तो ग्लूकोज में दो एनोमेरिक पेयर होते हैं, एक होता है अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, उनमें भी डी एंड बी, डी का अल्फा का कॉन्सेप्ट रहता है एंड बीटा डी का कॉन्सेप्ट रहता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अल्फा वो कॉम्प्लेक्स होता है कि जिनमें तुम्हारा ये जो OH ग्रुप है वो बिलो रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, बिलो रहना चाहिए, एंड ये जो C1 कंपाउंड है इसमें कंफिगुरेशन चेंज होगा तब हम उसको बोलेंगे अल्फा एनोमर। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है हम देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बीटा बोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वो अबव द प्लेन हो जाएगा और अबव में लग जाएगा, तब उसको हम बीटा डी ग्लूकोज बोल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पूछा है, वो बोला है कि ऑर्डर ऑफ नाइट्रेशन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, क्या होगा इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन इन कंपाउंड में से। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी कंपाउंड है उसमें हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कैसे देख सकते हैं कि कब उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेट इंक्रीज होगा। तो सपोज ये कोई भी रिंग है, बेंजीन रिंग है, इसके साथ कोई भी ग्रुप अटैच्ड है, ये कब इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लॉबिंग स्पीसीज मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो ये रिंग पे अटैक कर रहा है, क्या कर रहा है, ये रिंग पे अटैक कर रहा है। तो ये रिंग पे अटैक ज्यादा प्रोमिनेंट होगा जब इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा रिंग में उतना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे मैं जो ऑप्शन है उनके ऊपर जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है, Cl ग्रुप है, एक SO3H ग्रुप है, ये NHCONH3 ग्रुप है एंड एक C2H पे अल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पे लोन पेयर है उसके पास, ये प्लस M के थ्रू डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा प्लस I के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये क्या करेगा माइनस M शो करेगा, ये क्या करेगा कुछ माइनस I भी शो करेगा एंड माइनस आई भी शो करेगा, प्लस M भी शो करेगा। तो ओवरऑल इसको देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग टेंस है, ये क्या होता है ये डीएक्टिवेटर होता है, ऑर्थो पारा डीएक्टिवेटर भी बोलते हैं इसको। तो अभी मैं अगर ऑर्डर दूंगा ये प्लस एम से डोनेट कर रहे हैं मतलब कि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है रिंग में, तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन का रेट होगा वो हो जाएगा आर में मैक्सिमम हो जाए, उसके बाद प्लस आई को मैं देखूंगा, प्लस आई वाला उसके बाद आएगा, देन हो जाएगा फास्ट ये वाला, देन हो जाएगा क्यू जो होगा वो मिनिमम होगा क्योंकि जो SO3H ग्रुप है वो है माइनस एम ग्रुप, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा रिंग से, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ मेजो 2-3 डाइब्रोमोब्यूटेन। तो 2-3 डाइब्रोमोब्यूटेन का ये होता है, मेजो क्यों दिया है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ
प्लेन और सिमेट्रिक प्रेजेंट है, तो इस कंपाउंड को क्या बोल रहे हैं, मेजो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। तो इसका जो स्टेबल फॉर्म होगा वो हमेशा ये करना, ये इसको हम पूछा है कंफ्यूगुरेशन, इस टाइप में कंफ्यूगुरेशन पूछा है, न्यूमन कंफ्यूगुरेशन में पूछा है। तो न्यूमन कंफ्यूगुरेशन में क्या होता है, जो बल्की ग्रुप्स होते हैं वो एंटी पोजिशन, जितना ज्यादा दूर रहेंगे तब वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो जो CH3 एंड CH3 दोनों ग्रुप है वो बल्की ग्रुप है, तो वो दोनों चाहेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहे। सिमिलरली ब्रोमीन एंड ब्रोमीन जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहने को पसंद करेंगे, वही कंपाउंड हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे जो स्टेबल होगा, यहाँ पे मैं आंसर लिखाऊं डायरेक्टली कि जो CH3 ग्रुप है ये दोनों अभी क्या है, एंटी पोजिशन पे, मतलब कि ये दोनों के बीच में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। तो ये एंटी पे हो गया, ये ब्रोमीन दोनों भी एंटी पे हो गया, ये दोनों के बीच में 180 डिग्री बॉन्ड एंगल, जितना ज्यादा डिस्टेंस पे ये रहेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 1H NMR केमिकल शिफ्ट वैल्यूज फॉर द इंडिकेट हाइड्रोजन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिया है, चार ऑप्शन में हमको जो 1H NMR किसका हाइड्रोजन का केमिकल शिफ्ट के ऑर्डर बताने हैं। तो ये जो है ये हमारा क्या है, साइक्लिक रिंग के साथ एल्कीन डबल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन अटैच है, ये हमारा बेंजीन के साथ या फिर ये फिनाइल के साथ अटैच है, मैं ये बोल सकता हूँ। ये जो हाइड्रोजन है वो ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन ग्रुप के साथ अटैच है, ये जो है वो है 1 डिग्री है, ये मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली कार्बन जो है साइक्लोहेक्सेन से रिंग से अटैच है, बट ये 1 डिग्री है। तो क्या होता है केमिकल शिफ्ट, जो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है वो 4 to 6.5 केमिकल शिफ्ट वैल्यू को इंक्रीज करता है, एंड जो हाइड्रोजन फिनाइल रिंग के साथ होता है वो केमिकल शिफ्ट का वैल्यू 6.5 to 8.5, एवरेज अगर लेंगे तो 7.3 समथिंग से इंक्रीज करेगा। एंड ये जो अल्काइन के साथ ज्वाइन होता है वो 2 to 3 इंक्रीज करता है केमिकल शिफ्ट वैल्यू। एंड ये जो 1 डिग्री होता है जो मिथाइल के साथ जो हाइड्रोजन में है वो हाइड्रोजन क्या करता है 0.9 इंक्रीज करता है केमिकल शिफ्ट का वैल्यू। तो अगर मैं ऑर्डर देखने जाऊं तो सबसे ज्यादा होगा ये वाला, देन ये वाला, वन वाला, देन हो जाएगा हमारा थर्ड, देन हो जाएगा फोर्थ। तो जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा वो ये हो जाएगा 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट वही सिमिलर टू हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है, यूवी लाइट के साथ क्वेश्चन पूछा है, द कंपाउंड विच कैन नॉट एब्जॉर्ब यूवी लाइट, यूवी लाइट को कौन सा कंपाउंड एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ऑप्शन है एसीटोन, नाइट्रोबेंजीन, एन ब्यूटेन एंड बेंजामिन। तो यूवी जो यूवी को एब्जॉर्ब करता है वो एब्जॉर्ब करता है जिसमें कि कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट हो या फिर कोई भी डबल बॉन्ड हो, इसके साथ हम ये बोल सकते हैं कि जो जिसके साथ एक क्रोमोफोर यूनिट लगा हुआ है वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो हम देखने जाएंगे अगर इनका स्ट्रक्चर, तो एसीटोन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है, तो ये यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट है नाइट्रोबेंजीन, इसमें भी डबल बॉन्ड होता है, एन के ऊपर लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, तो ये भी एब्जॉर्ब करेगा। एन ब्यूटेन ये कुछ भी सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा, यानी कि ना ही लोन पेयर है इसके ऊपर, ना ही पाई बॉन्डेड सिस्टम है, ना ही पाई कंजुगेशन सिस्टम है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये यूवी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। हमको क्वेश्चन पूछा है कैन नॉट एब्जॉर्ब, तो ये क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बेंजामाइड, बेंजामाइड में भी एमाइड ग्रुप है तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा एंड लोन पेयर भी प्रेजेंट होगा, इसका मतलब ये भी हमारा एब्जॉर्ब करेगा यूवी लाइट को। एंड यूवी लाइट का जो रेंज होता है वो 200 to 400 नैनोमीटर होता है, एंड विजिबल का जो रेंज होता है वो 200 to 800 नैनोमीटर होता है। तो हम आज खत्म किए 2018 का पार्ट नंबर 2, एंड 2008 का पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है, पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कंप्लीट हो चुका है, तो आप देख सकते हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से तैयारी करना चाह रहे प्रिपरेशन करना चाह रहे तो प्लीज हमको फॉलो कीजिए, इस चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए अगर नया है, एंड शेयर कीजिए।